हेलो गाइस, आज मैं देसी स्टाइल में बाटी चोखा बनाने वाली हूँ। मैंने आटा गूंथ लिया है क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं होता, टाइम कम होता है। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला है और 1 चम्मच अजवाइन डाला है जो सबके घर में होता है, और ये बेकिंग सोडा मैंने थोड़ा सा इसे डाल दिया है। इससे बाटियाँ मुलायम बनेंगी। और ये देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा मैंने गूंथ कर रख दिया है थोड़ी देर फूलने के लिए। इसे 20 मिनट के लिए हम ढक कर रखते हैं, उसके बाद आपको आगे बताएंगे। बनाने के लिए आलू और टमाटर और बैंगन ले लिया है। बैंगन में अगर हम राई का तेल लगा लेंगे, ये देख रहे हैं ऐसे राई का तेल हमने सारे बैंगन में लगा लेंगे तो ये बैंगन जल्दी से पक जाएगा। और आपने देखा मैंने बाहर आग को जला लिया है, उसमें ये सबको भूनेंगे। भूनने के बाद फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे बाटी चोखा और आगे कैसे क्या किया गया है। देखा, मैंने सारे बैगन में तेल लगा लिया। अब इसे मैंने आग में भूनना है। ये देख रहे हैं, मैंने आलू और भाटे टमाटर सबको भून लिया है। भूनने के बाद अब इसको धुल कर छील ले रहे हैं। ये देखिए, ये सारा छील लिया है। अभी चोखा बनाएंगे, इसमें क्या क्या पड़ेगा वो हम आपको बताते हैं। इसको देख रहे हैं, ये अदरक खुलने वाला है। मैं इससे आलू को और टमाटर और बैंगन को इस तरीके से मसल ले रही हूँ। हाथ भी नहीं लगेगा और ये सब अच्छे तरीके से मसल कर तैयार हो गया। और ये देखिए, चोखे में पड़ने वाली सामग्री मैंने इसमें, अगर तुरंत खाना हो तो प्याज तुरंत डाल लीजिए। ये मिर्चा है, आप मिर्चे को जिस तरीके से खाना हो उतना डालिए, मैं 2 डाल रही हूँ। ये मैंने अदरक को कद्दूकस कर लिया है, इसको भी चोखे में डाल दे रही हूँ। ये धनिया की पत्ती है, मैं इसे भी डाल दे रही हूँ। ये लहसुन है, कटा हुआ लहसुन, मैं इन सबको इसमें ऐड कर दे रही हूँ। ये नमक है, नमक स्वादानुसार, आपको जितना नमक खाना हो आप उतना डालिए। मैं तो यहाँ 1 चम्मच और थोड़ा सा इसमें डाल दे रही हूँ। ये देख रहे हैं, ये राई का तेल है, मैं इसे भी इसमें डाल दे रही हूँ। अब इन सबको मैं इस तरीके से मिला दे रही हूँ। सारी हो गई है, अब मैं इसे आग से बाहर करूँगी और उसके बाद निकालूंगी खाने के लिए। इस तरीके से लगाकर और ये खाने के लिए बाटी और चोखा तैयार है। अभी बाटी चोखा तैयार है, आप खाइए और टेस्ट लीजिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।